Good morning and greetings to all of you, the listeners of this morning meditation, in the name of the Lord Jesus Christ. This is a brand new day. It has been given to us by the Lord of Mercies, the Lord of the Universes. और ये दिन हमको परमेश्वर जो करुणा का परमेश्वर है in, परमेश्वर ने हमें दिया है इन फेथफुलनेस एंड मर्सी ही हैज़ अलाउड अस टू एंटर डे। और परमेश्वर के करुणा और विश्वास योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने अनुमति दिया है कि हम एक और दिन देख सकते हैं देर फोर इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट दैट वी बिगिन दिस डे बींग साइलेंट इन हिस्स प्रेजेंस

And we read in these two verses the words of the Lord Jesus Christ when they saw the unbelief or little faith among his own people. It happened soon after his mountaintop experience.

हाउ लॉन्ग शैल आई स्टे विथ यू हाउ लॉन्ग शैल आई पुटअप विथ यू ब्रिंग द बॉय हीयर टू मी एंड जीब्यूक्ट द डीमन एंड इट केम आउट ऑफ द बॉय एंड ही वॉज हील्ड फ्रॉम दैट मोमेंट येशु ने उत्तर दिया हे अविश्वासी और हटीले लोगों मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा कब तक तुम्हारी सुन सहूँगा उसे यह मेरे पास ले आओ तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया Now later on in uh, verse uh, the disciples came to him privately and asked him why they were not able to cast out the demons और इस घटना के बाद हम देखते हैं कि चेले यीशु मसीह के पास आए और पूछने लगे कि हम इस दुष्ट आत्मा को निकाल क्यों नहीं पाए? द रिप्लाई और बीसवे पद में हम उसका उत्तर देखते हैं He replied, Because you have so little faith. और उसने उत्तर दिया कि अपने अविश्वास और की घटी के कारण विश्वास के घटी के कारण वट इज लिटिल फेथ और कम विश्वास क्या है

Defined as a deliberate decision not to believe. And it is for this reason that Jesus could not do miracles in places where he confronted. अनबिली ऑफ पीपुल और इसी कारण से यीशु मसीह उन स्थानों पर चमत्कार नहीं कर पाए जहां लोग विश्वास नहीं करते थे और हम देखते चमत्कार वही जगहों पर हुआ जहां पर लोगों ने विश्वास किया और एक चमत्कार का आशा किया अनबिली और यु मसीह ने ऐसे नीव अविश्वास क्या है देर आर थ्री तीन चार बातों को मैं बताना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डाउटिंग क्राइस्ट हिमसेल्फ सबसे पहले ये है की हम ये मसीह पर संदेह को डालते हैं बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज द क्योंकि यीशु मसीह ही हमारे विश्वास का केंद्र है एन अनबिलीव इज क्वेश्चनिंग द पावर ऑफ क्राइस्ट और अविश्वास का अर्थ यही है कि हम यीशु मसीह के ताकत को हम सवाल करते हैं Is he able to do it? क्या यीशु मसीह इस काम को कर सकते हैं? That it is that kind of doubt. और इस प्रकार का विश्वास. And uh, that's why

विथ इन वन सेल्फ और परमेश्वर का जो सामर्थ जो एक व्यक्ति में पाया जाता है उसके ऊपर संदेह करना नॉट ओनली डाउटिंग ओन पावर न सिर्फ येह के सामर्थ पर संदेह करना बट दो बिलीव इन जीसस क्राइस्ट एंड चूज टू फॉलो हिम लेकिन जिन्होंने येशु मसीह पर विश्वास किया और इस बात को चुना की वे येशु के पीछे चलेंगे दिस इज द प्रोमिस ही गेव यीशु मसीह ने उन ऐसे लोगों के लिए यह प्रतिज्ञा दी है अकॉर्डिंग टू सेंट लुक चैप्टर 10 वर्स 19 लुक का रचित समाचार उसका 10वां अध्याय 19 पद आई गिव यू अथॉरिटी टू ट्रैम्बल ऑन स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस और मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं कि तुम सर्पों के ऊपर और बिच्छुओं के ऊपर कुछ लोगे एंड टू ओवरकम ऑल aur shatru ke के सारे ताकत के ऊपर विजय पाना nothing will harm you। और कोई भी बात कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा John in his first letter, chapter 4 verse 4 he says। और यो न अपने पहले अध्याय में चौथे पद में कहता है ही is विथिन यू इज ग्रेटर देन ही दैट इज़ इन द वर्ल्ड और वो जो तुम्हारे अंदर पाया जाता है वो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली शा, है जो इस संसार में है स्वचन में कहता है, and his incomparably great power, और ऐसा ताकत जिसका कोई तुल्य नहीं है फॉर हम हु के लिए जो विश्वास करते हैं power पावर इज लाइक working ऑफ his माइटी पावर और स्ट्रेंथ Which he he exerted in Christ Christ when he raised his Son Jesus Christ from the dead. ऐसा सामर्थ जो हमारे अंदर कार्य करता है वही सामर्थ जो परमेश्वर पिता ने उपयोग किया जब अपने पुत्र मसीह को मुर्दों में से जलाया wonderful, amazing promises. इन बड़े अद्भुत प्रतिज्ञाओं को आप याद रखें You combine all these three verses. ये तीनों वचन को अगर आप एक साथ मिलाएं। Three, what are they?

verse 19 और इफिसियोस का पहला अध्याय 19 पद put all these three together ये तीनों वचन को आप एक साथ रखिए there is a mighty revelation of what power is abide within you एक महान सामर्थी एक प्रकाशन है कि आपके अंदर कौन सा ताकत है including the resurrection power और उसमें पुनरुत्थान का सामर्थ्य भी शामिल है एंड दिस प्रेस्ट्रिक्शन पावर इज ग्रेटर दैन द पावर गॉड एक्सर्टेड इन क्रिएशन और ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो है वो उससे बढ़कर है जो सामर्थ्य परमेश्वर ने सृष्टि करने में लगाया बाइबल से और बाइबल कहती This है दिस पावर इज एंड एक्टिव इन हु बिलीव इन सन ऑफ गॉड ये ताकत जो है वो ऐसे लोगों में कार्य करता है जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखते है वट इज अनबिलीव और अविश्वास क्या है अनबिलीव इज डाउटिंग ट विथ न्यू अविश्वास यही है की वही ताकत जो आपके अंदर पाया जाता है उसके ऊपर संदेह करना इफ देर आर सम पीपुल लिसनिंग टू मी यू डिट नो दैट ऑल दिस माइटी डिवाइन पावर इज रेजिडेंट इन दो बिलीव बिलीव इथ ना ऑन द बेसिस और आप लोग जो मेरे बातों को सुन रहे हैं अगर आपको नहीं मालूम था कि इस प्रकार का सामर्थ आपके अंदर मौजूद है तो इस समय आप विश्वास करें कि ऐसा सामर्थ मौजूद है एंड थर्डली और तीसरी बात अनबिलीव इज डाउटिंग ऑन सोन फेथ अविश्वास वही है कि एक व्यक्ति अपने खुद के विश्वास के ऊपर संदेह करता वेन यू एंटरटेन एंड बिलीव विद इन योर हार्ट जब आप अपने हृदय में अविश्वास को लाते हैं यू आर डाउटिंग योर ओन फेथ तो फिर आप अपने खुद के विश्वास के ऊपर आप संदेह हैं। you डाउट समथिंग यू क्वेश्चन और जब आप किसी बात पर संदेह करते हैं आप फिर सवाल उठाते हैं And you question God's power. आप परमेश्वर के सामर्थ्य पर सवाल उठाते And हैं you

इफ द थिंग नीडेड इज गॉड्स विल और जो बात जरूरत है अगर वो परमेश्वर की इच्छा है यू आर डाउटिंग इट और आप उसके ऊपर संदेह करते हैं दैट इट इज गॉड्स विल फॉर यू टू हैव कि ये परमेश्वर की इच्छा है मुझे पाने के लिए नो दिस शोज यू आर नॉट फेमिलियर विथ गॉड्स वर्ल्ड और ऐसे होने से ये बात दिखाता है कि आप परमेश्वर के वचन से आप परिचित नहीं है यू के नॉट इग्नोर गॉड्स वर्ड आप परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज नहीं you कर सकते uh, be आप परमेश्वर के वचन को तिरस्कार करके आप आशा नहीं कर सकते कि आप एक विश्वासी you रहेंगे। बिलीव आपने विश्वास करने शुरू किया नॉट नर्चरिंग एंड फीडिंग योर फेथ सो दैट योर फेथ विल कंटिन्यू टू ग्रो टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फ लेकिन आप अपने विश्वास को खिला नहीं रहे हैं पोषण नहीं दे रहे हैं कि वो बढ़कर और भी ताकतवर हो जाए

chapter fifteen verse seven says uh, no oh yeah, I'm sorry. I'm looking at the wrong gospel. chapter uh, when it says, "If you abide in me, यहां पर इस प्रकार लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो एंड इट विल तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा एंड सो डोंट इसलिए हम आधे वचन को ना बोले इट इज अ वर्स इन द बाइबल यू आस्क गिवन और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांगो और तुम्हें मिलेगा There is a condition. इसके पीछे एक शर्त है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट स्टार्ट अबाइडिंग इन जीस सबसे पहले हमें यीशु मसीह में बने रहना है टू बी अ फ्रूटफुल एंड यूजफुल ताकि हम फल उत्पन्न करने वाले और एक अच्छे मसीह बनने पाए एंड देन हिज वर्ड मस्ट अबाइड इन यू और उसके बाद परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बने रहना है यू अबाइड इन क्राइस्ट आप मसीह में बने रहते हैं क्राइस्ट वर्ड अबाइड्स इन यू मसीह का वचन आप में बना रहता है और तब आप कुछ योजना है आपके लिए you. And and for you and so, इसलिए परमेश्वर आपके लिए सबसे उत्तम चाहते हैं Be in God's will. आप परमेश्वर के इच्छा में बने रहे And walk in His will. और परमेश्वर के इच्छा में चलें Holy Spirit of God. परमेश्वर पवित्र आत्मा Bless

और वो भूख और प्यास हर एक सुनने वाले के ऊपर आने पाए ताकि और भी विश्वास बढ़ने the पाए। वर्ड ऑफ गॉड इज द सोर्स ऑफ दैट ग्रोथ और परमेश्वर का वचन उस बढ़ोतरी का स्रोत है प्लस योर पीपुल टूडे प्रभु जी आज के दिन आपके लोगों के ऊपर आपका आशीष होने पाए सो दैट द एंड ऑफ दिस डे दे विल फाइंड देर फेथ ताकि Ask इस दिन के दिन के अंत में वे पाएंगे कि उनका विश्वास वो बढ़ गया है। यीशु मसीह के नाम से आमीन गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स मेरे मित्रों परमेश्वर आप सबों को आशीष दे हैव अ ग्रेट डे। एक अच्छा दिन आपका बीतने पाए। आमीन